गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। अब हम लोग स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, नर्स्ड इक्वेशन। नर्स्ड इक्वेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आईआईटी के लिए और मेडिकल के लिए और प्लस टू में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। ठीक है, तो नर्स्ड इक्वेशन में कुछ है ही नहीं। हम लोग क्या पढ़े थे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो डिपेंड करता है, वो नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड, कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो उसी से रिलेटेड, अब जैसे कंसंट्रेशन चेंज करेगा, इलेक्ट्रोड चेंज करेगा, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज कर जाएगा। तो इसी पर नर्स एक इक्वेशन दिया। तो देखिए, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड ईएमएफ ऑफ द सेल डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड टेम्परेचर। ये तीन चीज पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है। तो मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर ए रेडॉक्स रिएक्शन। लेट अस कंसीडर ए लेट अस कंसीडर ए लेट अस कंसीडर ए रेडॉक्स रिएक्शन को एक रिएक्शन हम लोग मान लेंगे। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन मान लेंगे। जैसे हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन मान लिए एम ए। ठीक है, या ए ए प्लस बी बी से ये रिवर्सिबल होगा रिएक्शन, सी सी प्लस डी डी बना। तो इसका हम लोग क्यू निकाल लेंगे। ठीक है, रिएक्शन क्वेश्चन या के भी दिया रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा तब तो ई एम एफ ऑफ द सेल जीरो हो जाएगा नहीं? तो हम लोग क्यू निकालते हैं। क्यू बराबर क्या हो जाएगा, रिएक्शन क्वेश्चन सी पर पावर सी डी पर पावर डी बाय ए पर पावर ए बी पर पावर बी पढ़े थे केमिकल इक्विलिब्रियम में। तो ये रिएक्शन क्वेश्चन जो है एट एनी टेम्परेचर है, एट एनी कंडीशन है ना, तो एट एनी कंडीशन है, तो ये क्यू निकला। तो कहता है फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन द फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी ले लीजिए। फ्री एनर्जी चेंज हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा जी से, एंड इट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी, या के भी ले सकते हैं। के लेंगे तो ये ईएमएफ ऑफ सेल जीरो हो जाएगा। ठीक है, एंड इट्स रिएक्शन क्वेश्चन लिख लीजिए, रिएक्शन क्वेश्चेंट, रिएक्शन क्वेश्चेंट। ठीक है, रिएक्शन क्वेश्चेंट आर इंटर रिलेटेड एज, आर इंटर रिलेटेड एज। कैसे है भाई, तो देखिए ये तो हम लोग के भी ले सकते हैं, अगर के लेंगे तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा। तो किसी भी कंडीशन में अगर लेते हैं, किसी भी कंसंट्रेशन पर लेते हैं, तो हम लोग पढ़े थे रिएक्शन क्वेश्चेंट कहते हैं। ठीक है, और अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में लेते हैं तो के इक्विलिब्रियम भी यही होगा इसका,
के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, सी पर पावर सी डी पर पावर डी बाय ए पर पावर ए और बी पर पावर बी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग फ्री एनर्जी के टर्म में लिखते हैं कोई भी इक्वेशन को, क्या लिखते हैं, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। ठीक है, आर टी एल एन क्यू। तब देखिए डेल्टा जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस एन एफ ई, ये माइनस एन एफ ई नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। तो हमको जो सब चीज दिया रहता है वो लॉग टेन के वैल्यू के टर्म में रहता है, इसको एल एन को हम लोग लॉग टेन में चेंज कर लेंगे, तो दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए एन एफ से, बोथ साइड डिवाइडेड बाय माइनस एन एफ, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस एन एफ ई बाय माइनस एन एफ, ये हो गया इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट बाय माइनस एन एफ प्लस आर टी, ये इसको लॉग में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, आर टी बाय माइनस एन एफ, इसको लॉग में चेंज करेंगे 2.303 लॉग क्यू आ जाएगा। ठीक है, तो एन एफ कैंसिल, एन एफ कैंसिल, तो ये क्या हो गया, ई इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 आर टी बाय एन एफ लॉग क्यू। लॉग क्यू क्या है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बोल सकते हैं, तो ये हो जाएगा ई इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 आर टी बाय एन एफ लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये ले लिए, अब देखिए अब ऊपर मिटाते हैं। ठीक है, अब देखिए अब इसका जो डेरिवेशन होगा, अब मेरा इक्वेशन क्या आ गया, क्या क्या है थोड़ा समझना है हम लोग को, और इस इक्वेशन में कुछ नहीं है, सबसे आसान न्यूमेरिकल होता है, डाटा पुट कीजिए और निकाल लीजिए। ठीक है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं होता है आईआईटी का। देखिए खाली देख के लगेगा बड़ा फार्मूला है और होता है बहुत आसान। तो देखिए ई क्या निकला, ई इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 एन एफ 2.303 आर टी बाय एन एफ लॉग क्यू ले लिए। अब ई जो है वेयर ई जो है क्या है मेरा, ई जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसेंट्रेशन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, एनी कंसंट्रेशन एंड
टेम्परेचर, ठीक है। अब देखिए ई नॉट क्या है, स्टैंडर्ड ईएमएफ है ना, ई नॉट क्या है स्टैंडर्ड ईएमएफ, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड ईएमएफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। स्टैंडर्ड ईएमएफ और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल सकते, स्टैंडर्ड ईएमएफ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रहने दीजिए, पोटेंशियल, ठीक है। ये है आर क्या है, यहाँ पर भी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसका वैल्यू ले लेंगे 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन लेते हैं हम, ठीक है। हम लोग पढ़े हुए हैं गैसियस स्टेट में ये इतना होता है। आर एफ जो होता है फराडे कांस्टेंट, एफ क्या है मेरा फराडे कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ये होता है इसका वैल्यू 1 फराडे इक्वल टू 96,500 कूलम, ठीक है, ये होता है। और ठीक है, अब देखिए n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n जो है मेरा क्या है, यहाँ जो n आया n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेंड और लॉस, गेंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेंड और लॉस, ठीक है। अब देखिए, अब अगर हम लोग इसका वैल्यू सब पुट कर दें, ठीक है, तो एक इक्वेशन आ जाता है। अगर हम लोग इस वैल्यू को पुट कर दें, ठीक है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, या लिख दीजिए प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ठीक है। अब देखिए, अब ये सब वैल्यू अगर पुट कर देंगे 8.314, टी अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पुट करते हैं 298 केल्विन, ठीक है, तब ये जो है ई इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट माइनस, ये जो सब पुट कर दीजिएगा 2.303, आर का वैल्यू 8.314, टी का वैल्यू 298 बाय एन, एफ का 96,500 लॉग, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ठीक है। तब ये निकल जाएगा आपका ई इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059191 होता है, तो 92 लेकर के बनाते हैं हम लोग, आसान होता है, ठीक है। अगर 2 लेकर के करते हैं तो ये आसान हो जाता है, 0.59 भी ले सकते हैं बाय एन लॉग प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन
प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ठीक है, ये होता है, यही है नर्स्ट इक्वेशन। अब अगर मान लीजिए आपको ई नॉट नहीं, ये तो ई सेल हुआ, ईएमएफ ऑफ सेल, ई सेल ये नहीं दिया हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, इसको ये भी चेंज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। ई नॉट क्या है, कैथोड माइनस एनोड है, माइनस 0.059 बाय एन लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ठीक है। ये आपका हो गया फॉर्मूला, यही है नर्स इक्वेशन। अब है एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में क्या होगा, अब एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है, एट इक्विलिब्रियम हम लोग क्या पढ़े थे, इक्विलिब्रियम हम लोग पढ़े थे क्यू इक्वल टू के इक्विलिब्रियम पढ़े थे, और ई सेल जो होता है ये हो जाता है जीरो, ई सेल हो जाता है जीरो, तो पुट कर दीजिए यहाँ, तो ये हो जाएगा जीरो इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, इसको ई नॉट सेल लिख सकते हैं, ई नॉट सेल, ई नॉट सेल, ई सेल, ई सेल, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 0.59 बाय एन लॉग क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, तो ई नॉट सेल निकल जाता है ये, ठीक है। ये अब क्या है, के सी है, के इक्विलिब्रियम है, तो ई नॉट सेल बराबर क्या हो गया, 0.059 बाय एन लॉग के इक्विलिब्रियम। अगर के इक्विलिब्रियम, ये तो क्यू है, ये तो क्यू है, और के एट इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है, क्यू इक्वल टू के इक्विलिब्रियम, तो के इक्विलिब्रियम पुट कर दिया अब के की जगह पे, यहाँ तो क्यू है, इसको लिख दीजिए एक बार, नहीं तो ये हो गया, ये इक्वल जीरो कर दिया, तो ये के इक्विलिब्रियम ही हो गया यहाँ पर। अब क्या हो गया, के इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कंडीशन में ई नॉट सेल, ई सेल इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, जीरो, ठीक है। तो ये होता है, ये हो गया आपका नर्स्ट इक्वेशन। अब हाफ सेल के लिए भी सोचिएगा, हाफ सेल का, दो हाफ सेल का निकाल के दोनों ऐड कर दें तो भी आपका आ जाएगा, यही आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका नर्स्ट इक्वेशन, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग इसका न्यूमेरिकल देखेंगे। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट विल बी द ईएमएफ ऑफ सेल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ईएमएफ ऑफ सेल, तो हमको पहले इसका सेल रिएक्शन लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, जो सेल दिया हुआ है एनोड है जिंक, जिंक से बन रहा है जेड एन प्लस 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 टू ई बनेगा, और इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है, और एफ ई टू प्लस दो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन जाएगा, एफ ई बन जाएगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉन तो कटा देते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन कटा दिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कटा दिए, तो क्या हो गया सेल रिएक्शन, ये एनोडिक हाफ सेल, ये कैथोडिक हाफ सेल है, तो सेल रिएक्शन हो गया है जेड एन प्लस एफ ई प्लस प्लस, जेड एन जो है सॉलिड स्टेट में है ना,
जेड एन जो है ये सॉलिड है, एफ ई प्लस प्लस, एफ ई प्लस प्लस, और इधर हो गया जेड एन प्लस 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 एफ ई सॉलिड। सॉलिड का कंसंट्रेशन क्या लेते हैं हम लोग, वन। तो इसका नर्स इक्वेशन लगाइए, इसका के निकालिए। के क्या हो जाएगा, के इक्विलिब्रियम नहीं, ई सेल निकालना है जी, ई सेल निकालना है, मैंने क्यू निकालना है, ठीक है। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बराबर हो जाएगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जेड एन प्लस प्लस एफ ई बाय जेड एन सॉलिड और एफ ई प्लस प्लस। अब देखिए जेड एन प्लस प्लस कितना दिया हुआ है, 0.001 बाय एफ ई प्लस प्लस कितना दिया हुआ है, एफ ई प्लस प्लस दिया हुआ है 0.005, यानी ये क्या हो गया 1/5 हो गया। तो एट किसी भी कंसंट्रेशन के लिए हम लोग ई सेल भी निकाल लेते हैं। ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो ई नॉट कैथोड कौन है मेरा, ये है, तो माइनस 0.44 माइनस 0.76 हो जाएगा, कितना हो गया माइनस 0.44 प्लस 0.76, माइनस होगा तो कितना बचेगा 0.32 वोल्ट बचेगा। इतना ई नॉट सेल निकल गया। अब कहता है ई एम एफ ऑफ द सेल, तो ई सेल क्या हो जाएगा, ई सेल जो होगा, ई सेल बराबर क्या पढ़े अभी हम लोग नर्स इक्वेशन में, ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन लॉग क्यू पढ़े, किसी भी इक्विलिब्रियम कंडीशन तो दिया नहीं है, तो लॉग क्यू पढ़े। तो देखिए ई नॉट सेल निकला है 0.32 माइनस 0.059। देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना यूज हुआ, दो इलेक्ट्रॉन कटाने वाला देखते हैं, बाय टू। लॉग क्यू कितना निकला, लॉग क्यू निकला 1/5, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.32 माइनस 0.029। ये 2a होता है, 2 ले सकते हैं या 29 छोड़िए, लॉग इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग 1 माइनस लॉग 5। लॉग 1 0 होता है, तो 0.32 माइनस 0.029, लॉग 1 0 माइनस लॉग 5 का वैल्यू जो होता है, लॉग 5 का वैल्यू आपको हो जाएगा कितना, 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, 6990, 0.6990। अब देखिए ये तो माइनस हो गया, ये प्लस हो जाएगा, 0.32 माइनस माइनस प्लस 0.029 इंटू जीरो, माइनस माइनस प्लस हो गया 0.699, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.32 प्लस ये करीब करीब जो है ना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 0.02 के करीब आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.34 वोल्ट ईएमएफ।
ठीक है, आसान क्वेश्चन था, डायरेक्ट हम लोग पुट कर दिए। बहुत आसान क्वेश्चन होता है इसका, सिर्फ सेल रिएक्शन लिखना है, क्यू निकाल लीजिए, क्यू कभी कभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देगा तो ई सेल हो जाएगा जीरो, तब ई ए जीरो हो जाएगा, ई सेल, ई नॉट सेल तो दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में, और ये निकालना रहेगा। उसके बाद कैलकुलेशन है, कुछ है नहीं, लॉग थोड़ा देखने का इसमें रहता है। ठीक है, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। देखिए ये जो दिया हुआ है, कहता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक की जितना, हम लोग पहले उसको चेंज कर लेंगे। ये जो दिया हुआ है ई नॉट जेड एन टू जेड एन प्लस प्लस, ये दिया हुआ है आपको 0.76 वोल्ट। हम लोग जो भी पढ़ते हैं सब इस रिडक्शन पोटेंशियल में, इसका चेंज कर लीजिए, ई नॉट जेड एन प्लस प्लस ओब्लिक जेड एन हो जाएगा माइनस 0.76 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, और दिया हुआ है सिल्वर का ई नॉट, सिल्वर से सिल्वर आयन बन जाएगा ए जी प्लस, इसका दिया हुआ है 0.80 माइनस 80। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -0.80 है, तो ई नॉट सिल्वर आयन टू सिल्वर क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 0.80 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले हम लोग ई लिख लेते हैं सेल रिएक्शन, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या बन रहा है, जिंक टू जिंक आयन बनेगा प्लस 2E, और सिल्वर से क्या बनेगा, सिल्वर आयन टू सिल्वर। अब देखिए इलेक्ट्रॉन को कटाना रहता है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इलेक्ट्रॉन कट गया, अब क्या हो गया मेरा जेड एन प्लस 2AG प्लस से क्या बन गया, जेड एन प्लस 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 2AG, यही हो गया। अब इसका Q लिखिए, Q क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, यानी जेड एन प्लस प्लस का कंसंट्रेशन AG का स्क्वायर होगा, तो AG का तो 1 होता है और जेड एन का भी 1 होगा, सॉलिड स्टेट में है, ये सॉलिड है, ये भी आपका सॉलिड है। ठीक है, ये S पढ़िएगा, 5 नहीं पढ़ लीजिएगा, S है सॉलिड, तो ये हो जाएगा AG प्लस का स्क्वायर, जैसे हम लोग लेते थे लॉ ऑफ मास एक्शन लगाते थे ने? तो जेड एन प्लस प्लस का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, देखिए 0.25, AG प्लस का दिया हुआ है 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो Q कितना निकल गया आपका, Q निकल गया आपका 0.25 / 0.01, यानी 25 निकल गया न। अब लगाइए आप ई सेल, क्या जानते थे ई सेल का राय निकालने, EMF ऑफ सेल, ई सेल बराबर हो जाएगा ई नॉट सेल, तो ई नॉट सेल देखिए ई कैथोड माइनस ई एनोड लेते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड एक बार लिख दीजिए, नहीं तो ई सेल बराबर इक्वल टू ई नॉट सेल -0.059 / n log Q। तो देखिए ई सेल क्या लिखेंगे, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, n हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन यूज किए हैं, तो -0. इसको ब्रैकेट में ले लीजिए 0.059 / 2 log Q कितना निकला, 25। चलिए इसको ई कैथोड कितना है, कैथोड है मेरा एन, ये तो ये है आपका 0.80 माइनस 0.0
माइनस 0.76, ठीक है, ये हो जाएगा -0.059 बाय 2, इसको लिख सकते हैं log 5 का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। तो अब देखिए ये हो जाएगा कितना, 0.80 प्लस 0.76 और ये हो गया -0.0592 बाय 2 इंटू 2 log 5 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 6 1.56 माइनस 0.059 इंटू log 5 का भी वैल्यू देखे थे कितना था, log 5 का वैल्यू देखे थे 0. कितना लिखे थे जी, log 5 का वैल्यू था 0.6990, ठीक है। तो ये जब करते हैं तो ये हो जाएगा 1.56 माइनस 0.041 के करीब, ठीक है। तो उतना लेने का ज़रूरत नहीं है, तो इसको ले लीजिए 1. ये कितना हो जाएगा 9, इधर हो जाएगा आपका 10 में 9, इधर एक बचा 5 में 41, इधर बचा 5, इतना बोल्ट हो गया EMF, ठीक है। तो इसी तरह सब निकलेगा, कुछ नहीं रहता इसमें क्वेश्चन में, खाली आप सेल रिएक्शन लिखिए, ई कैथोड माइनस ई नोट कर लीजिए, थोड़ा लॉग टेबल खाली देखना होगा। और क्वेश्चन में नर्स इक्वेशन सबसे आसान होता है, आसानी से आपको 4 नंबर मिल जाएगा IIT में। मेडिकल में तो और आसान करके देता है, इतना कैलकुलेशन मेडिकल में नहीं देगा आपको, मेडिकल में ऐसा देगा कि डायरेक्ट आप पुटअप कर सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए इस बार इसी क्वेश्चन को 2 कर दिया, कहता है कैलकुलेट द EMF ऑफ सेल, तो सेल पहले रिएक्शन लिखिए, सेल रिएक्शन क्या होगा, MG से बन रहा है MG प्लस 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 2E और सिल्वर आयन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बना देगा सिल्वर सॉलिड, और आपका इसको 2 से मल्टीप्लाई करके कटा लेंगे चार्ज को, तो क्या हो गया MG 2AG प्लस MG प्लस 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 2AG। क्यू लिखिए इसका, क्यू बराबर क्या हो जाएगा MG प्लस प्लस AG तो होता है 1, इसको छोड़िए, AG प्लस का स्क्वायर, ठीक है। तो MG का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.2, इसका दिया हुआ है 10^-3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 0.2 इंटू ये हो गया 10^-6, ऊपर जाएगा 10^6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 10^6, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 × 10^5, निकाल लिए क्यू, क्यू निकाल लिए, तब के इक्विलिब्रियम ई सेल भी निकाल लीजिए, ई सेल ई नॉट सेल क्या होगा, ई कैथोड माइनस ई नॉट ई नॉट, कैथोड मेरा ये है माइनस 0, अच्छा कैथोड तो ये हुआ, हाँ कैथोड हो गया 0.8 माइनस माइनस 2 माइनस ये दिया हुआ 2.37, ये कितना हो गया ऐड कीजिए 7 1
ये समझे कि नहीं कैसे हुआ? ये हो गया 0.8 प्लस 2.37, तो ये कितना हो जाएगा? 3.17 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3.17, अब कह रहा है कि ई सेल निकाल लिया। ई सेल बराबर क्या हो जाएगा? ई सेल बराबर हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 0.0059/2 लॉग क्यू। कितना है लॉग क्यू? है 2 × 10^5, 2 × 10^5, 10^5 है। ठीक है, ई सेल निकाल लिए हम लोग 3.17 माइनस 0.0592, ये क्या हो जाएगा? 5, ये लॉग 2 प्लस लॉग 10^5, ये हो गया। इसको सॉल्व करें, 3.17 माइनस 0.059/2, लॉग 2 का वैल्यू 0.3010 होता है, और ये लॉग 10^5 हो गया प्लस 5 लॉग 10, लॉग 10^1 ना, तो 3.17 माइनस 0.059/2, ये कितना हो गया? ये तो 5 हो गया, 5.301। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा, 2 से कर दीजिए, 17 माइनस 0.029 × 5.301, 3.17 माइनस 0.156 कर दीजिए, ज़्यादा कैल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 पॉइंट, देखिए 4, 6 बचा, 6 में 5, 1, ये बचा 1 में 1, 0, इतना वोल्ट हो गया। ये कब? जब कंसंट्रेशन mg का 0.2 है तब। ठीक है, अब कह रहा है इफ कंसंट्रेशन डिक्रीजेस टू 0.1, अब इसका कंसंट्रेशन 0.1 कर दे रहा है, ठीक है, तब ई सेल कह रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट केस में, कहता है इफ कंसंट्रेशन ऑफ एम जी प्लस आयन इज डिक्रीजेस टू 0.1, अब 0.1 कर दीजिए, तो 0.1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? अब डाटा देखिए, 0.1 कर देना है तो क्या हो जाएगा? जीरो पॉइंट वन कर देना है ना खाली, तो ये कर लीजिए, क्यू क्या हो जाएगा? क्यू था मेरा मैग्नीशियम आयन 0.1/10^-3 का होल स्क्वायर था, 0.1 × 10^-6 प्लस 6 हो जाएगा ऊपर जाके, तो ये हो जाएगा 10^5 क्यू निकल गया। यही क्यू खाली वहां पुट कर देना है। ठीक है, तो ई बराबर क्या हो जाएगा? ई सेल माइनस 0.059/2 लॉग लॉग 10^5 खाली 5 पुट कर देना है। ई सेल दे रहे हैं 3.17 निकाले थे, ये 0.059/2 log 5, ये 5 हो गया। ठीक है, 3.17 माइनस 0.029 × 5, तो ये जब घटाइएगा तो क्या हो जाएगा? चार
जीरो पॉइंट इतना आ गया 3.17 माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और कितना हो गया ये 6 बचा, 6 में 2 0, 3.025 हो जाएगा, ठीक है, यही हो जाएगा। इतना वोल्ट हो गया। दो क्वेश्चन इसी में दे दिया था कि एक बार दे दिया था कंसंट्रेशन जब मैग्नीशियम का 0.2 है, फिर कहा जब कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाए इतना हो जाए, तो रिएक्शन क्वेश्चन खाली चेंज करेगा और सब चीज़ वही रहेगा, तो सेम पैटर्न से बन जाएगा। ई नॉट सेल कर दीजिए, ई नॉट है यहाँ, ठीक है, हो गया। ई सेल, ये ई सेल निकालना था, ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए इसमें ये एनोड है, ये मेरा कैथोड है, तो पहले एनोडिक रिएक्शन लिखते हैं। सबसे पहले हाफ सेल M3++3E से बन जाएगा M, ठीक है, तब फिर सिल्वर आयरन M से M3+ ना बना जाए, थ्री से बना EMF ऑफ सेल दिया हुआ है, ठीक है, कहता है द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ M3+, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो ये लिखिए आप, उल्टा हो गया, M से बन रहा है M3+ +3E, यहाँ सिल्वर से बनेगा ई से सिल्वर, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कट गया, सेल रिएक्शन क्या हो गया M+3Ag+ से बन गया M3+ +3Ag, ठीक है, तो रिएक्शन क्वेश्चन इसका क्या हो जाएगा, रिएक्शन क्वेश्चन हो जाएगा M3+, इसका हो जाएगा M3+ / Ag+ का होल क्यूब हो जाएगा। M3+ दिया हुआ है कंसंट्रेशन 0.0018 बाय Ag+ का दिया हुआ है 0.01, तो ये इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, तो सुनना गायब कर देते हैं यहाँ, तो 0.18 हो गया, क्यों निकला, तो EMF ऑफ सेल दिया हुआ है ना, ई सेल आपको दिया हुआ है, ई सेल है, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड करना है, EMF of cell found ये दिया है और नहीं कुछ दिया हुआ था, अच्छा सिल्वर का दिया हुआ है, E not सिल्वर प्लस ऑब्लिक सिल्वर दिया हुआ है 0.80, ठीक है, तो E दिया, E सेल दिया हुआ है 0.42, कैथोड हो सिल्वर है तो इक्वल टू 0.80 माइनस ई ए, यही है, अब रहने दीजिए यही, अब हम लोग लेते हैं फिर ई एम एफ क्या हो जाएगा, ई सेल बराबर ई नॉट सेल
माइनस 0.059 बाय टू नहीं होगा, इस बार तीन इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है, बाय थ्री लॉग क्यू। ठीक है, अब देखिए ये तो हम लोग लिख लिए हैं, ई सेल दिया हुआ है 0.42, ई नॉट सेल कितना है, ई कैथोड माइनस ई नॉट 0.80 माइनस ई ए, ई नॉट निकालना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई नॉट ए। ठीक है, माइनस 0.059 बाय थ्री लॉग क्यू दिया हुआ है आपको 0.18। ठीक है, अब देखिए अब सॉल्व करना है, लॉग 0.18 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0. अच्छा, इसका होल क्यूब तो किए ही नहीं, होल क्यूब होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 ना, ये हो जाएगा 0.0018 बाय 10^-2 का होल क्यूब, ये कितना हो जाएगा 0.0018 × 10^, ऊपर जाके 6 हो जाएगा, तो 4 अंक घटा दीजिए, 18 × 10^2, ये हो जाएगा लॉग क्यू का वैल्यू 18 × 10^2 हो जाएगा, तो 0.4280 - E0A, ये हो जाएगा माइनस 0.059 बाय थ्री, ये हो जाएगा लॉग 18 प्लस लॉग 10^2। ठीक है, तो हो जाएगा 0.42 = 0.80 - E0, ये हो गया 0.0176 लॉग 18 का वैल्यू, एक मिनट देखते हैं लॉग 18 का वैल्यू कितना होता है, इसमें तो नहीं दिया है लॉग 18 का वैल्यू, इसमें दिया हुआ होगा, एक मिनट, जैसे लॉग 18 का वैल्यू, लॉग 18 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2553, तो ये हो जाएगा 1.2553 प्लस 2 हो जाएगा 2 log 10। ठीक है, अब देखिए 0.42 = कितना हो जाएगा, इक्वल टू 0.80 - E0A, ये हो गया माइनस 0.0176, ये हो गया इंटू 3.2553। ठीक है, 2.553, तो इसको जब करते हैं सॉल्व तो कितना निकल जाता है, हाँ बिना एक मिनट कैलकुलेटर लाने दीजिए, नहीं होगा ऐसे, 1 मिनट, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाता है 0.42 = 0.80 - E0A, और ये हो जाता है आपका, इसका वैल्यू आया 0. किधर हट गया,
फिर से करना पड़ेगा, 0.0176 इंटू 3.2553। इतना को सॉल्व कीजिए, इतना सॉल्व करने के बाद आता है -0.0573, कर देते हैं 29 को 3, ठीक है। अब ये इधर ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0.4773 इक्वल टू 0.80 माइनस ई ए। अब ई ए हमको निकालना है तो ई नॉट ए क्या हो जाएगा, ई नॉट ए हो जाएगा मेरा, ई नॉट ए निकाल रहे हैं, ई नॉट ए ये हो जाएगा 0.80 माइनस 0.4773, ठीक है। तो ये माइनस होके कितना हो जाएगा, एक मिनट माइनस कर देते हैं, 0.80 माइनस 0.4773 ये हो गया 0.322 बोल्ट। इतना बोल्ट जो है किसका, इस मेटल का पोटेंशियल होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यही था क्वेश्चन, थोड़ा कैलकुलेशन होता है इसमें और कुछ नहीं होता है, पॉइंट वाला सब डाटा रहता है सिर्फ, और क्वेश्चन में कंसेप्ट में कुछ ज़्यादा इसमें टेक्निक नहीं है। तो इस तरह से नर्स्ड इक्वेशन हम लोग पढ़ लिए, बहुत ही मस्त चीज़ है ये, इसको बढ़िया से आप लोग पढ़ेंगे इससे क्वेश्चन कभी गैप नहीं जाएगा आईआईटी मेन में, मेडिकल में, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड में भी पूछता है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पूछेगा तो इस पोर्शन से भी क्वेश्चन पूछता है 12th बोर्ड में, ठीक है। तो आप लोग केयरफुली इसको देखिएगा, और जब देखिएगा केयरफुल हर वीडियो को जब शुरू से अंत तक देखिएगा तो धीरे धीरे अपने मज़ा आने लगेगा पढ़ने में। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो न्यू व्यूअर है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे ताकि आपको रिसेंट वीडियो अच्छा अच्छा मिलता जाए। थैंक यू।